लास्ट ब्लॉग में देखा कि हम लोग दिल्ली से मथुरा आए थे बाय भोपाल शताब्दी, और उसके बाद हमारा प्लान था कि हम जाएंगे रेल बस में, बट रेल बस बंद हो चुकी है तो हम जा रहे हैं ई रिक्शे से वृंदावन की तरफ। तो आपने लास्ट ब्लॉग में जो इसमें वृंदावन आई थी, आपने तो देखा था कि बाकी भाई टेम्पल गई थी, कौन टेम्पल गई थी और कुछ खाया पिया था वो सब कुछ, बट इस बार हम थोड़ा चेंज करेंगे, हम जाएंगे प्रेम मंदिर बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द ब्यूटिफुल टेम्पल इन वृंदावन। और हमारे पास हमारे साथ है सौरभ अन्ना, तो उनको भी दिखाना है कि हाँ तो उनको भी दिखाना है कि ना सुंदर है वो, कितने उसकी कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। सो दैट्स द अपडेट अबाउट आर ब्लॉग राइट नाउ। और हमारा दिल तो टूट चुका है बिकॉज हमें रेल बस नहीं मिली। तो पहले तो मैं सोच रहा था कि हम ब्लॉग ही यही कर ले कि हमें रेल बस नहीं मिली, ख़त्म बात, बट अब हम जा रहे हैं मूड खराब हो चुका है वहाँ पे। तो यार दैट्स द अपडेट फॉर दिस ब्लॉग, और चलते हैं वृंदावन की तरफ। तो दिस इज द बस स्टैंड आई गेस वृंदावन का, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारी बसेस हैं, वही लॉट ऑफ बसेस। ओके हाँ, फोन को अच्छे से पकड़ना इज मस्ट। ऑल्सो यहाँ पे आपको लाइक जो बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले रस्ते हैं, बट हम तो खाएंगे वृंदावन में जाके। एंड इस जो हमने ई रिक्शे का जो भी चार्ज है, जो भी कॉस्ट है, वो है 200 rupees बिकॉज हम लोगों ने ऐसे पर्सनल किया, अदरवाइज आप आ रहे हो तो इट विल कॉस्ट यू 50 rupees पर पर्सन। तो या दैट्स द अपडेट इसके फेयर का। ऑल्सो सुबह सुबह का मौसम इज वेरी प्लीजेंट राइट नाउ, बट गर्मी तो सही लगने वाली है। आर यू रेडी? यस, फर्स्ट टाइम आई एम एक्साइटेड। रेल बस में मिली बस रेल बस का ट्रैक जो अभी गॉज कन्वर्शन में गया है। Very sad. How are you feeling? Mix. कुछ नहीं बोल सकते। तो ई रिक्शे वाले भैया ने मैं उतारा था बाकी बिहारी टेम्पल के आसपास, बट वहाँ पे चश्मा उतारना पड़ा और हमें लगी थी भूख बिकॉज हम दोनों के दोनों सुबह से भूखे हैं, तो कुछ नहीं मिला। हाँ, क्योंकि हम बस चाय पी हुई है। तो वी आर हेयर एट क्या है ब्रिजवासी, जो हमने लास्ट वॉक में यहाँ पे आके खाना खाया था, और आज हम खा रहे हैं यहाँ पे कचौड़ी सब्जी एंड छोले भटूरे। बाकी इन्होंने बोला है कि यहाँ पे कुछ शाही मिल्क करके कुछ है जो कि मस्ट ट्राई है, तो हम वो देखेंगे नीचे मिलेगा, वो जाके ट्राई करेंगे तो हम दिखाएंगे आपको। एंड या दैट्स द अपडेट, बस खाने का वेट है और उसके बाद हम जाएंगे मंदिर एक्सप्लोर करने, और चश्मा उतार के घूमना है तो एवरीथिंग इज ब्लर, सब कुछ अंधा होके देखना पड़ रहा है। डेमो देखा हमने। हाँ भाई डेमो देखा है, खींच के ले गया वो। अच्छा काफी टेस्टी। शाही मिल्क वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा, और हम यहीं से पैक करा रहे हैं पेड़ा। पेड़ा 450 है, पेड़ा वही 450 rupees kg। सो वी कैन टेक पाव पाव, कराते हैं पैक पाव पाव। तो ये है हमारा बिल जिसके अंदर हमने लिया है पेड़ा,
तो यार उन्होंने पाव पाव तो नहीं दिए, वी गॉट हाफ के जी दो दो जगह, एंड लेट्स सी हाउ इज द पेड़ा नाउ। जाएंगे मुंबई, एंड मुंबई जाके बताना हाउ इज इट। हाँ तो बेटर हम इनको अभी बैग में डाल ले, बिकॉज बंदर उठा के ले जाएगा हमसे। इसके बाद हमारा प्लान है कि इधर हम जाए यमुना घाट टेम्पल, तो लेट्स सी कि वी आर गोइंग वेयर वी आर हेडिंग। हम यहाँ पे चलते चलते पहुँचे थे चाय पीने के लिए, एंड वहाँ पे था एक एसी वाला चाय पे चर्चा, एक था टपरी वाला चाय पे चर्चा, और हम हैं टपरी वाले चाय पे चर्चा पे। टपरी वाली चाय की टेस्ट कुछ और होती है। यस ऑल्सो यहाँ पे बंदर ज़्यादा है, तो हम लोग ब्लॉग बहुत कम कर पा रहे हैं, ऐसे छुपा छुपा के घूम। डर लग रहा है, चोरी वाला काम। पुलिस से ज़्यादा बंदर से डर लग रहा है। ट्रेन में आरपीएफ से डर लगती है, बंदरों से डर लग रहा है। चाय पिए और अगर तो हम बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ आए थे यमुना घाट की तरफ, पर पसीना आ गया। चल के आए थी बेस्ट हो गया, बिल्कुल बेस्ट हो गया। नाउ वी आर हेडिंग टू केशरी घाट, एंड लेट्स सी। आल्सो हम लोग ना बाकी भी हरी और प्रेम मंदिर रेस्टोरेंट टेम्पल आने वाले, बिकॉज मैंने लास्ट व्लॉग में उसमें गॉड कर दिया, आपने वो देखना है तो वहाँ जाके देख सकते हो, एंड दैट्स द सीन नाउ। We are going with the flow. इतना सब घूमने के बाद फाइनली हमें अच्छी जगह मिल गई है भाई। इतना हमने चला है यहाँ पे, एंड ये लिटरली वाराणसी लग रहा है। हाँ यार देख सकते हो, लाइक सी ये बोट, ये ऐसा आर्किटेक्चर काफी मस्त लग रहा है। वो बोट वाला 500 रुपए मांगता था यहाँ से, हम लोग ये ऑटो से 50 रुपए। हाँ यार वाई टू अननेसरी, वाई टू वेस्ट मनी। तो ये था हमारा थोड़ा अनएक्सप्लोर्ड वृंदावन, जो कि लाइक आप मंदिर वगैरह तो हमेशा आते आते हो, बट इस बार थोड़ा घाट वगैरह एक्सप्लोर करते हैं। हम लोग थोड़ा बैठ के यहाँ पे चिल करते हैं। देखिए बहुत पीसफुल लगा है उधर, बहुत एकदम भागम दौड़ी थी, भीड़ थी, लाइनें थी। हाँ यार ये अच्छा लगा, यहाँ पे गर्मी नहीं लग रही, बिकॉज हवा चल रही है अच्छी। हाँ यार लाइक यहाँ पे आप मस्त टाइम स्पेंड कर सकते हो, स्पेशली मुझे लगता है सनसेट सनराइज से क्या मस्त लगेगा ना। अरे यार दिस इज बड़ा, मुझसे पहले चले मतलब आगरा जाने वाले, बट ये दिस लुक्स सो अमेजिंग। यहाँ पे बोट राइड कर सकते हो, उसने कितना बोला था? 250 और 550 ऐसे कुछ रेट है बोट राइड के, डिस्टेंस का लाइक आगे जाओगे तो अगर अच्छा मिला तो हम लोग को ट्राई करेंगे, बट मन नहीं है क्योंकि माँ यमुना है विद फुल रिस्पेक्ट, बट अभी तो इन्होंने बहुत घुरा लिया। हाँ यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट स्टिल ये एक्चुअली ना गवर्नमेंट ने मेंटेन करना चाहिए ऐसे धार्मिक स्थलों को, क्या बोलते हो अंजी भाई? यस दे शुड एक्चुअली। जो हमारा वहाँ से यहाँ तक का चलने का रास्ता वो इतना गंदा हो रखा है, इतना कूड़ा कबाड़ा पड़ा हुआ है वहाँ पे, इवन जो वहाँ पे सीवर है वो भी लोगों ने ऐसे इसमें ही छोड़ा है। दैट इज़ वेरी रॉन्ग, जब तक हम लोग डेवलपमेंट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो अभी हम लोग आ चुके हैं इस्कॉन टेम्पल, इज वेरी नाइस। हर जगह आपको इस्कॉन टेम्पल मिलेगा, दिल्ली में, मुंबई में, बैंगलोर में, एवरीवेयर, बट दिस इज वेरी नाइस। अच्छे से इसको मेंटेन कर रखा है, प्रसाद दाल है, स्नैक्स वगैरह सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जूते लगेज वगैरह सब कुछ आपको जमा करना है और दर्शन की लाइन भी मिलेगी वहाँ पे, शॉर्ट लाइन देयर इज। सो हियर वी गो,
यू ब्यूटी वृंदावन यू ब्यूटी। मैं जो इस्कॉन टेम्पल वाले बाहर जो शॉप्स है फॉर फूड एंड गोविंदम प्रसाद एंड वी आर हैविंग व्हाट जूस मौसम भी जूस और पानी वाटर हाइड्रेशन यस फॉर हाइड्रेशन ओके तो ये रहा हमारा जूस। How's the taste, Anna? It's not that delicious, but it is okay-ish. Like pure kind of. आपको कृष्ण जी के जीवन से जुड़े हुए जितने भी मेन थीम्स है मेन स्टोरीज हैं जो हम लोगों ने सुनी वो दर्शाई हुई है छोटी 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 कलाकृतियों में एक्चुअली एंड इट इज सो सुंदर। तो ये प्रेम मंदिर वाला गार्डन भी काफी मस्त लगा। तो यो इतनी गर्मी है ना कैसा क्या अंजलि बहुत ही गर्मी है ना। लेकरा सुतो देवा पांडुरंगा मुझे जाना है मुंबई आके देवा पांडुरंगा के दर्शन करने। मुंबई आके पहले इसको विट्ठल टेंपल ले जाऊंगा मैं। बहुत गर्मी अगस्त महीने में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई थिंक मानसून वगैरह हो रही थी। ये थे हमारे मंदिर वृंदावन के जो आज हम एक्सप्लोर कर रहे थे एंड अभी हम बाहर जाके देखते हैं हमारा आगे क्या सीन है। एग्जिट कर रहे हैं। हमें पहले तो सामान कलेक्ट करना है प्रेम मंदिर के सामने। आपको बैग वगैरह डिपॉजिट करने होते हैं बड़े बैग अंदर नहीं जाते। लॉकर भी सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। ऐसे सड़क पे मत रखा करो इट इज वेरी रिस्की। कोई भी कुछ कर सकता है। अच्छा कहीं सामने लगेज रह के उधर डिपॉजिट करो। पानी पीते रहना पड़ा टू स्टे हाइड्रेटेड। हमने प्रेम मंदिर देखा यमुना घाट देखा और स्कॉन टेम्पल देखा। लास्ट व्लॉग में मैंने प्रेम ओ बाकी फेरे टेम्पल भी देखा था राधा वल्लभ भी देखा था। तो इस बार कुछ अनएक्सप्लोर्ड वृंदावन घूमना था। सो या दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट। पसंद है लाइक कर देना कॉमेंट कर देना मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके जाना। एंड इसके बाद हम जा रहे हैं आगरा और हम डिसाइड कर रहे हैं बस से जाएँ और ट्रेन। तो या नेक्स्ट व्लॉग में आपको चलने वाला कि ट्रेन से गए या बस से गए। सो या दैट वाज फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।